राजधानी दिल्ली से एक दर्द भरी खबर सामने आई है, जहां पंजाबी बाग इलाके में रेलवे के एक निर्माणाधीन पुल का पिलर गिर गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इसमें सुबह हमको एक कॉल मिली है करीबन 8:30 बजे। इसमें जब हमको ये कॉल मिली है कि यहाँ पर रेलवे का एक सीमेंट प्लस जो आयरन और सीमेंट के साथ जो ऊपर पिलर को कनेक्ट करते हैं, जो रेलवे का अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था जिसका काम कुछ सालों से रुका हुआ है, उसका एक लाटर निकलकर नीचे गिर गया। जो कि यहाँ जब पता किया तो पता चला कि वो रात में यहाँ गिर गया था, और वो यहाँ पर कुछ ट्रक्स खड़े होते हैं पार्किंग में, उनकी देखरेख के लिए एक गार्ड यहाँ पर था जिसका नाम राम बहादुर था। वो राम बहादुर अनफॉर्चुनेटली एक ट्रक के अंदर सो रहा था उस टाइम पर जब ये गिरा, और राम बहादुर इसकी चपेट में आ गए और इसके साथ क्रश हो गए। राम बहादुर यहीं इधर नाइट वॉचमैन का काम करते थे, और ये ओरिजिनली फतेहपुर यूपी से रहने वाले। डीसीपी के मुताबिक मृतक की पहचान 50 वर्षीय राम बहादुर के रूप में हुई है। वो मूल रूप से फतेहपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। राम बहादुर पार्किंग वाले ट्रकों में नाइट वॉचमैन का काम करता था। हादसे के समय वो ट्रक में सो रहा था, और जैसे ही पुल गिरा दुर्भाग्यवश सोते हुए वॉचमैन की मौत हो गई। इसके अलावा हादसे में 4 ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने राहत और बचाव का काम किया। बता दें, इस पुल का निर्माण 2014 से अभी तक बंद पड़ा है। ऐसे में यह हादसा होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली।